लाइट तो पहले लग चुका था, लेकिन अभी ये मार्च में मालिक काट दिया गया था लाइट। क्यों काट दिया गया है? बिल के पीछे मैडम जी। तो बिल क्यों नहीं पटा रहे हैं आप लोग? मैडम जी हम बिल पटाएं तो किस हिसाब से पटाएं बिल? बिल ऐसा है कि अब हमारे यहाँ लाइट कनेक्शन हुआ था नहीं है ना, किसी के पर नाम पर बिल आ रहा है, किस हिसाब से दें? किसी के 10,000 है, किसी के 7,000 है, और हमारे यहाँ लाइट कनेक्शन भी नहीं हुआ था मैडम जी। पहले से बिल 2008 से भी जारी हो गया, तो हम किस हिसाब से दें बिल पटाएं? छीरपानी ददरा टोला में 300 की आबादी है, यहाँ पर सभी आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर मार्च 2016 को लाइनमैन को द्वारा बिल न भरने के कारण लाइट काट दी गई है, जबकि सन 2013 को यहाँ पर 15 परिवारों के घरों में लाइट कनेक्शन हुआ है, और 2008 से 8 परिवारों के पास बिल आ रहा है। आपके जैसे कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में 2008 से बिल आ रहा है आज तक? कम से कम नहीं तो अभी करीब करीब 7-8 आदमी होंगे, 8-9 भी हो सकते हैं। आखिरी बिल आपके पास में कब आया था? आए थे जुलाई में आया रहा। तो कितना आया था बिल? 4,900 रुपया। हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है, रसीद जैसे हमारे किसी के नाम पर है तो उसके नाम पर है, तो वो लोग 10,000 है, किसी के नाम पर 7,000 है, तो वो अब किस टाइप से दे मैडम जी? किसी नाम पर आ रहा है, किसी के नाम पर नहीं आ रहा है, इसलिए हम इस चीज़ को समझ सोच करके हम कहते हैं कि हमारे जो व्यक्तिगत जो उसके नाम पर नहीं आ रहा बिल, उसको भी मान ले नाम पर भिजवाएं, ताकि वो भी लोग दें। अपने मोहल्ले वालों को बैठा ले, मैं सरपंच सचिव अपने ग्राम सभा आम सभा में भी बताए, लेकिन वहाँ सरपंच सचिव लोग वहाँ कोई जानकारी न शिकायत नहीं किए। इस बिल को कुछ माफ़ किया जाए, और हमारे हर महीने पर नाम पर बिल भेजाएं, और अपने घर घर आके रीडिंग मीटर चेक करें, और हम बिल देने के लिए तैयार हैं मैडम जी। मैं वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करती हूं कि हमारे कुंडम विकास खंड के विद्युत अधिवंता अधिकारी सिंह जी को 94-25-80-61-76 पर कॉल कर हमारी मदद करें। मैं सरोज परस्ते, ग्राम छीरपानी, विकास खंड कुंडम, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ड की।